नमस्कार दोस्तों, मैं देव यादव आपका स्मार्ट स्ट्री फ्रेंड चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बन सकते हैं, वह सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वह सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपका एग्जाम नज़दीक है, केवल 7 डेज रह गए हैं, तो 7 डेज में कुछ ऐसा न किया जाए कि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। मैं रोजाना मैंने हिस्ट्री की 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन विस्तार लगभग है। तो फ्रेंड्स, जो भारत में वन विस्तार है वो आपका 19.5% है। कितना है? 19.5% भारत में वन विस्तार है। यह आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 1999 में पूछा गया। क्वेश्चन है कहाँ पे? यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 1999 पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। 19.5% भारत में वन विस्तार है। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन की होती है कि शीतकालीन वर्षा होती है, तो शीतकालीन वर्षा होती है आपको यह पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 1991 में पूछा गया था, तो यह होती है आपकी सी तमिलनाडु में। आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वह भी आप कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपना अनुमानित स्कोर पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल सकें। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3 क्वेश्चन है इसका। फ्रेंड, सही आंसर होना चाहिए आपका 3। सबसे पहले केरल में मानसून आता है, उसके बाद 2 पश्चिम बंगाल, ये पहले नंबर पे मतलब 3 है, ये सबसे पहले केरल में आता है, 3, 2, 1, 4 यह क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में यह क्रम दे रखा है, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 3, 2, 1, 4 इस क्रम में बारिश होती है। और वैसे हमारा जो क्रम निकलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज्यों को उनमें मानसून आरंभ, मानसून सबसे पहले केरल में आरंभ होता है, तो केरल फर्स्ट नंबर पर आ गया, उसके बाद होता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में 3रे नंबर पे मानसून आता है, कौन से नंबर पे? 3रे नंबर पे, और 4थे नंबर पे आपके राजस्थान में पहुंचता है। ठीक है, यह हमारा मानसून का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं, भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे पहले सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम 2001 में पूछा गया था। तो भौगोलिक इतिहास दृष्टि से सबसे कम आयु की आपकी पर्वत श्रृंखला है वह है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? यह क्वेश्चन बना है आपका, आप बता सकते हैं इसको। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सोना। मध्य प्रदेश में हीरे की खान पाई जाती है, ठीक है, कर्नाटक में सोने की खाने हैं। ठीक है, किसकी? सोने की। भारतीय मृदा में कमी है, यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल मेन एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है इसका। सही आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन की कमी है। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, भारतीय मृदा में किसकी कमी है? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, तो यह जोड़ता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान तथा चीन को जोड़ता है कराकोरम राजमार्ग। ठीक है, पाकिस्तान तथा चीन को जोड़ता है। यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 1991 में पूछा गया था। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह याद नहीं है तो कुछ भी नहीं याद, ये सिंपल क्वेश्चन है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका रामनगर नैनीताल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? रामनगर नैनीताल में आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन की आती है, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ बन रहा है? तो इटावा में बन रहा है, यह आया था 2013 में क्वेश्चन आया था कि लॉयन सफारी कहाँ बन रहा है, तो इटावा में। अब यह पूरी तरह से बन चुका है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थित है यह पूछ सकता है, तो आपको लगाना है इटावा, क्योंकि यह इटावा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोझीकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कौन सा? कोझीकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपका, कोझीकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है, यह भी आपका यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी, केरल। कोझीकोड बंदरगाह आपका केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? तो आपकी जो पश्चिम बंगाल है उसकी मुख्य फसल चावल है। क्या है? चावल पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है, तो भारत में सबसे उपज देने वाली खाद्य फसल है आपकी चावल। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? चावल। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया था। धान कहाँ की मुख्य फसल है?
धान फ्रेंड्स कहाँ की मुख्य फसल है, यह पूछा गया है तो चाइना की धान मुख्य फसल है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भारत में धान की खेती होती है। ठीक है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य को, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है, यूपी संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है आपका सी उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा कहा जाएगा, एक बार समझो, चीनी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी तो गन्ना तो वहीं पे ज़्यादा होंगे, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होते हैं, तो उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है, और गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश है। यह भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों की सर्वाधिक किस्में पाई जाती हैं, फूलों की सर्वाधिक किस्में पाई जाती हैं, यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश, फूलों की सर्वाधिक किस्में उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है, 17 क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सतलुज नदी पर आपका भाखड़ा नांगला बांध बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है, किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, सिंधु नदी पर सुक्कुर बैराज क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 1999 में पूछा गया था। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की होती है कि टेहरी बांध कहाँ पर स्थित है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो टेहरी बांध आपका स्थित है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर आपका टेहरी बांध स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कहाँ पे, शरावती नदी पर आपका जोग जलप्रपात स्थित है। यह भी आपका यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो फ्रेंड्स आपको सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, नर्मदा नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाती, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर आपकी चंबल नदी गुजरती है। कहाँ से, चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है, तो कौन सी नदी ऐसी है जिसका जो उद्गम स्थल है वो भारत से बाहर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है, और ये कहाँ से निकली है, चाइना से निकली है। ठीक, इसे चाइना में टी सांगपो के नाम से जानते हैं। सुंदरवन है, सुंदरवन एक प्रकार का डेल्टा है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सी महाराष्ट्र में आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 हाल ही में परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है आपकी, ठीक है, बूलर झील जम्मू कश्मीर, बूलर झील जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो फ्रेंड्स ये कौन से राज्य में है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपको, मैंने कर्क रेखा नहीं गुजरती है उनकी एक ट्रिक बताई थी, राम मित्र गोपन झाच, राम मित्र गोपन झाच, तो राजस्थान हो जाता है, मिजोरम हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, राम मित्र गोपन झाच। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है उससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए यूज होती है, तो कपास की खेती के लिए जो मृदा यूज होती है उसका सही आंसर हो जाएगा सी काली मिट्टी, जो है आपकी वो कपास की खेती के लिए यूज होती है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की जाती है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, 29 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है।
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बॉक्साइट का, तो उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? 30 क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलढ़ मरुमध्य खाड़ी अलग करता है? तो 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पाग जलढ़ मरुमध्य आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है, जो नेपाल देश है उसकी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा होती हैं। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स बन रहे हैं बहुत बार, तो आप इन्हें रट डालिए, घोर के पी जाइए, ये समझ लीजिए। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है? 33 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा डी, रोपड़ खेती के नाम से जाना जाता है। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपड़ खेती के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काली मिट्टी को स्लेश भी कहते हैं? तो 34 क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेगर भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगर भी कहते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। 35 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खेती की किस विधि झूम कृषि को स्लैश भी कहते हैं? 35 क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दहिया। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का फ्रेंड्स है, उसका सही आंसर हो जाएगा डी, 7.3%। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% उत्तर प्रदेश पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटे अनाज उत्तर प्रदेश की बागान फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? यह तो अभी मैंने बताया ही था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोटे अनाज बागान फसल नहीं है। बात 38 क्वेश्चन की होती है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल है जो आपकी, उसे ऑप्शन ए, अरहर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अरहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? 39 क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्याणी। कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बेतवा आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है, केन और चंबल तीनों ठीक है सहायक नदी है यमुना नदी की, लेकिन कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन 14, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो 14 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जौनपुर में पाई जाती है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है, यह भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? 41 क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा सी, महोबा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की होती है, 42 क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? सिंपल क्वेश्चन है यार, याद होना चाहिए। बी, महाराजगंज की सीमा आपकी नेपाल के साथ लगती है। किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की सीमा नेपाल के साथ लगती है। 43 क्वेश्चन, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी की नदी की सीमा, भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी की सीमा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
44 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? 44 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, नर्मदा नदी में नहीं गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम आपका भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, असम। असम भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? अभी मैंने आपको कराया था महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? 47 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शामली जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। कौन सा? शामली डिस्ट्रिक्ट। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके द्वारा मिस न किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।